वेलकम ऑल। आज मैंने आप लोगों से बात ये करनी है कि मेरा मिशन क्या है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आने लग गए हैं, बहुत सारे लोग पूछने लग गए हैं। ठीक है, तो मैं आपको छोटा सा ना कुछ पॉइंट्स के अंदर ये बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस तरह से चेंज लेकर आ रहा हूँ, आप लोगों को इससे क्या बेनिफिट्स देना चाहता हूं और आप लोगों को इससे बेनिफिट्स होंगे क्या। मैं जब रियल स्टेट में आया तो रियल स्टेट में आने के बाद मैंने जो है ना, वो मेरे साथ एक इन्वेस्टर्स ग्रुप था, मैं उनको इन्वेस्टमेंट्स करवाता था। वो प्रोजेक्ट जो मुझे समझ आते हैं कि ये प्रोजेक्ट ठीक है, इनके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, ये प्रॉफिट्स देंगे, इनके बिल्डर्स अच्छे हैं, वो कुछ एल्गोरिथम्स हैं, कुछ मार्केट की स्टडी है जिसकी बेस के ऊपर मैं ये सारा कुछ करता हूँ। ठीक है, मैंने जिस टाइम पर वो लोगों को इन्वेस्ट करवाना शुरू किया तो उनको रिटर्न्स भी मिलना शुरू हो गए। देन आई रियलाइज्ड कि पाकिस्तान अभी भी 20 से 25 साल डेवलप्ड कंट्री से पीछे है। तो पाकिस्तान के अंदर वो लोग, जितने भी वो लोग हैं जिनका मसला है पैसों का, जो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हमारा ये प्रॉब्लम है, हमारा वो प्रॉब्लम है, उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम का आप लोगों को शायद पता ही ना हो कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है। मैं आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बता देता हूँ। व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम? आप जाते हो कुछ भी लेने के लिए, सुपर मार्केट की तरफ आप जाते हो और आप अपनी मर्जी की आपने कुछ भी जो है ना वो ग्रॉसरी करनी है या कुछ भी आपने करना है आप ले रहे हो, और वहां पर आपको कोई भी आपकी मनपसंद ब्रांड की कार पसंद आ जाती है। दैट कैन बी अ BMW, दैट कैन बी अ मर्सिडीज, दैट कैन बी एनी कार ऑफ दिस वर्ल्ड, आपको पसंद आ जाती है और आप वो परचेज कर लेते हो और परचेज करके अपने साथ ले आते हो। दिस इज अ फाइनेंशियल फ्रीडम आई एम टॉकिंग अबाउट। तो मेरा क्या मिशन है, मैं क्या चाहता हूं कि पाकिस्तान में हर वो बंदा जो तंग है, एक प्लान बनाया, एक फार्मूला बनाया जिसके ऊपर मैं अपने इन्वेस्टर्स ग्रुप को चलाने लग गया। उसके बाद देन आई रियलाइज्ड कि मुझे ये चीज़ जो है ना वो पब्लिक के अंदर पब्लिक अवेयरनेस देनी चाहिए, लोगों में ये चीज़ डालनी चाहिए। तो मैं आप लोगों के पास ये बात, आपने बड़े समझनी है आपने ये बात कि मैं आप लोगों के पास जो प्रोजेक्ट लेकर आता हूँ उस प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि वो आपको प्रॉफिट देगा। आई एम नॉट मार्केटिंग देम, मैं उनको मार्केट नहीं कर रहा। मेरा जो काम है, जो मेरा मिशन है वो ये है कि हर बंदा जिसकी अमाउंट, जिसकी इनकम थोड़ी है, जिसकी इनकम ज़्यादा है, या वो जितनी भी ज़्यादा है उसकी इनकम, वो रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्ट करे। दुनिया के अंदर एक वाहिद चीज़ रियल स्टेट है। जब आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप, ये कोई फैक्ट्री नहीं है जहाँ बिजली चली जाएगी, जहाँ वर्कर्स ने तंग कर दिया है, ये कोई जॉब नहीं है। जब आप एक्टिव इनकम कर रहे होते हैं, जब आप कुछ कमा रहे होते हैं खुद, तो आपको अपना घर चलाने के लिए थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं और फिर आप मंथली अपना घर चलाते हैं, अपना सर्कल चलाते हैं उससे, या जो कुछ भी आप करते हैं, बिजनेस करते हैं या कुछ भी। अगर एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर इन्वेस्ट करने से आपका पैसा कभी भी नहीं डूबेगा, कभी भी नहीं, डूब ही नहीं सकता, अगर आपने सही जगह पे इन्वेस्ट किए या वो जो भी प्रोजेक्ट है वो फ्रॉड नहीं है, तो रियल स्टेट एक वाहिद चीज़ है। आप लोग हमेशा से सुनते आए होंगे कि वो प्लॉट 1990s में इतने का था, 2000s में इतने का था और अब वो इतने का है, तो अब भी टाइम है इन्वेस्ट करने का। मसला क्या है कि आप लोगों ने उसके साथ इन्वेस्ट करना है, उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है जहाँ से आपको रिजल्ट्स ग्रेंटीड हो। आप अब This is 2022. इसमें सबसे इजी बात क्या है कि आप जो अब मार्केट जिस साइड पे चल पड़ी है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के पास 20-25 साल का गैप है। आई डोंट नो वाई कि कौन सी वो चीज है जिसने आप लोगों को अभी तक रोका हुआ है रियल स्टेट में इन्वेस्ट करने से, थोड़े प्लॉट्स बुक करवाए। एक प्लॉट क्या बुकिंग्स है प्लॉट की? 0.2 मिलियन, 2 लाख, 3 लाख, ये बुकिंग्स है प्लॉट्स की। ये उसकी इंस्टॉलमेंट्स कितनी है उनकी? 10,000, 15,000, ये इंस्टॉलमेंट्स है। थोड़े थोड़े पैसे अपने इन्वेस्ट करें रियल स्टेट के अंदर। जब मैंने उन इन्वेस्टर्स ग्रुप को देखा तो मैंने कहा ये मैं अवेयरनेस आप लोगों तक पहुंचाता हूं कि अगर आप लोग कमेटी डाल के 5-6 साल उन चीज़ों में इन्वेस्ट करते रहें और उन चीज़ों को डिवेलप करते रहें और वो बढ़ाते रहें, तो 5-6 साल के बाद जो हम ग्रुप बन रहे हैं, जो हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हम लोग एक
एक फाइनेंशियल फ्रीडम के अंदर हम लोग एंटर हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों को हमेशा इसी चीज पे इंसिस्ट करता हूँ, करता रहूंगा, मेरा दिस इज माय जॉब। मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो लोग कनेक्ट हो रहे हैं, कंपनीज कनेक्ट हो रही हैं, सब कुछ कनेक्ट हो रहे हैं। तो जो आप लोगों में से जो कनेक्ट नहीं हो रहा, मैं उसको यही कहूंगा कि यार मेरे साथ मत हो कनेक्ट, किसी के साथ हो, रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। मैं रियल स्टेट इन्फ्लुएंसर हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि किस प्रोजेक्ट के अंदर कितने इन्वेस्ट करके रिटर्न्स किस तरह से निकालने हैं, वो आपको किस टाइम पर बेनिफिट देंगे, आप लोगों को किस चीज ने रोका हुआ है। देखें, आपको कंसल्टेंट का प्रॉब्लम, दो तीन तरह के प्रॉब्लम्स इस मार्केट में आ सकते हैं। प्रोजेक्ट फ्रॉड ना हो, जो आपका कंसल्टेंट है उसको पता हो कि कंसल्टेंसी कैसे देनी है, मैंने आफ्टर सेल सर्विसेज मैंने कैसे प्रोवाइड करनी है, जो वो थोड़े से पैसे आप लोगों से चार्ज कर रहा है, आप लोगों से वो जो सेल्स का कमीशन उधर से वो ले रहे, मुझे एक बात बताएं, क्या आप लोगों को पता है कि उससे हमने सर्विसेज कैसे लेनी है? नहीं पता। उसको पता है कि ये सर्विसेज कैसे देनी है? नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये इंडस्ट्री डेवलप होने जा रही है। जो इंडस्ट्री डेवलप होती है उसके साथ इन्वेस्ट करते हैं, आपको कोई आकर नहीं। मैं इसीलिए आपके सामने पेश हुआ हूँ कि आप लोगों ने उसमें इन्वेस्ट करना है और मैंने आप लोगों से इन्वेस्टमेंट करवानी है, तो मैं इसलिए डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स लेकर आता हूँ। आप लोगों को एटलीस्ट पता हो कि हम कोई एरिया कौन सा होता है, लोकेशन कौन सी होती है, हर अमाउंट की फिजिबिलिटी अलग होती है। जो बिलियंस में है उनकी फिजिबिलिटी अलग है, जो मिलियंस में है उनकी फिजिबिलिटी अलग है, जो थाउजेंड्स में है उनकी फिजिबिलिटी अलग है, डिफरेंट फिजिबिलिटी है। एवरीवन कैन इन्वेस्ट इन रियल स्टेट, हर कोई रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर सकता है, अगर उसके पास थोड़ी सी अकल हो तो वो कर सकता है। आप जो भी कर रहे हो, आप अपना पार्ट टाइम बिजनेस बनाएं इसको, आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ चले जाएंगे। ट्रस्ट मी, आप थोड़ा थोड़ा रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते रहें, जो भी आप कर रहे हैं वो करते रहें, रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्ट करते रहें। कुछ टाइम के बाद जिधर आपने इन्वेस्टमेंट्स की होंगी वो उन चीज़ों के रेट्स कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे, एंड ऑटोमेटिकली यू कैन एंटर इनटू दिस बिजनेस। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके साथ साथ आप अपनी एक चीज़, अपना एक जो है ना पूरा अलग आप एक बिजनेस जो है ना वो डिवेलप कर लेंगे। मैं वो बिजनेस डेवलप करवाने के लिए आप लोगों को मैं बैठा हुआ हूँ, और मैं आप लोगों को इंसिस्ट करता हूँ, मैं तो करता रहूँगा इंसिस्ट, मैं आप लोगों को हमेशा क्या इंसिस्ट करता हूँ कि आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स आपके लिए डिफरेंट लेके आता हूँ कि इसके अंदर इतना इन्वेस्ट करेंगे तो इस तरह से रिटर्न्स है। इस ग्रुप को ज्वाइन करें और अपने लिए जो है ना वो रियल स्टेट एक ऐसी वाहिद चीज़ है जिसमें आपकी कोई फैक्ट्री के अंदर नुकसान नहीं हुआ, कोई वर्कर्स ने तंग नहीं किया, बिजली का लोड शेडिंग का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, कोई चोरी नहीं हो सकती, कोई इसके ऊपर जो है ना किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं और लैंड हमेशा लिमिटेड है। जब आपका, जैसे ही आपका पाकिस्तान इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल डेवलप हो जाएगा सारे का सारा, तो आप लोग मिस करेंगे कि हम तब इस बिल्डिंग में फ्लैट ले लेते, हम तब इस बिल्डिंग में कमर्शियल शॉप बुक करा लेते, हम तब इस सोसाइटी के अंदर प्लॉट ले लेते, तो तब वो प्लॉट्स की रेट्स कहीं के कहीं होंगे। अब वो टाइम है कि आप लोगों ने इस फ्लो में एंटर होना और एंटर होकर इन्वेस्ट करना है, जिसके लिए मैं आपके पास आता हूँ। आप, मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को कोई चीज़ नहीं रोकेगी। मैं, मुझे ये इस चीज़ पे ट्रस्ट है कि जिस तक मेरी ये बात अब पहुंच जाएगी वो इन्वेस्टमेंट नहीं रोकेगा, चाहे छोटे लेवल की कर सकता है चाहे ज्यादा, मगर प्री प्लान इन्वेस्टमेंट करनी है कि हम एक साल इस चीज़ को ले रहे हैं, ये इसके साथ ये वाला एरिया लोकेटेड है, हम इस चीज़ को ले रहे हैं, इसका इतना रेट है, कैपिटल एप्रिसिएशन ये होता है, हम इस टाइम इधर से अपनी चीज़ को सेल आउट करेंगे, नेक्स्ट सोसाइटी में एंटर होंगे, या नेक्स्ट, आपके पास एक पूरा 5-6 साल का प्लान होना चाहिए, अमाउंट होनी चाहिए कि यार इतना मैं मंथली स्पेयर कर सकता हूँ, या इतने मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, अकाउंट्स में पड़े हुए हैं बैंक में, अगर पड़े हुए हैं तो वो आपने देखना है कि यार इसको मैं ईजिली निकाल सकता हूँ। जैसे ही आप एक प्लान बना के 5-6 साल में उस पर चलेंगे ना, तो यार मैं इतनी रिक्वेस्ट आप लोगों से कर रहा हूँ कि सक्सेस इज नॉट वन नाइट थिंग, आपको 6-7 साल अपने सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सबर करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, एंड यू विल विन, दैट्स माई प्रॉमिस, यू विल विन। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करें, और मैं करवाऊंगा आप लोगों से रियल स्टेट में। तो ये इतनी सिंपल सी बात है, आप लोगों को ये पूरी बात, आई होप कि अब आप लोगों को ये बात समझ आ गई हो। अपना ख्याल रखें और इन्वेस्ट इन रियल स्टेट। थैंक यू।